प्रदेश में मौसमी बीमारियों का कहर जारी है, साथ ही जारी अस्पतालों में लापरवाही, जारी डॉक्टर्स की कमी, इलाज में कोताही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोताही, लापरवाही कब तक जारी रहेगी? कितनों की मौत के बाद सरकार जागेगी, या फिर सरकार खुद इंतजार कर रही है कि मौसमी बीमारी धीरे धीरे खुद ही अपने प्रकोप को कम कर दे और सरकार इस पर रोकथाम की बात कर अपनी वाहवाही लूट सके? ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि चिकित्सा मंत्री अभी भी फॉगिंग की बात कर रही हैं। क्या वाकई में सरकार ऑटो पायलट मोड पर चल रही है जिससे जनता और प्रदेश से कोई भी लेना देना नहीं है? आज बात इसी मुद्दे पर। बुखार से राजस्थान में मच रहा हाहाकार, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा मौत का आंकड़ा और मंत्री साहब को लग रहा काबू में है हालात। जयपुर से बाहर भी झांक कर देखो सरकार। जयपुर यानी कि प्रदेश की राजधानी, यानी कि वो जगह जहां मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक हर कोई होता है, हर विभाग का मंत्री होता है। लेकिन जब यहीं पर हालात काबू में ना आए तो फिर प्रदेश के बाकी इलाकों का भला क्या जिक्र किया जाए? और सवाल यह भी है कि क्या जयपुर में सब काबू कर लेने का मतलब यह है कि पूरा प्रदेश काबू में आ गया? बात इसी मुद्दे पर कि क्या सरकार जयपुर से बाहर देखना ही नहीं चाहती। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू का डंक, चिकनगुनिया की चित्कार और स्क्रब टाइफस की तपिश ने प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, मगर लगता है ये सरकार इस मामले पर ज्यादा गंभीर नहीं। सरकार को लगता है कि जयपुर में मरीजों की संख्या कुछ कम हो गई तो मतलब पूरे राजस्थान में ये ऐसा ही हुआ होगा। राजस्थान में रोजाना बुखार के 60,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। जानलेवा बुखार 20 लोगों को मौत की नींद सुला चुका है, मगर सरकार को लगता है कि हालात काबू में है। हर दिन नए दावे करने वाले चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के मुताबिक जयपुर के SMS अस्पताल की ओपीडी में औसतन 12,000 मरीज आ रही थी, लेकिन अब ये तादाद 10,000 ही रह गई। मतलब बुखार काबू में है। जयपुर का आंकड़ा देखकर सरकार पूरे प्रदेश का अंदाजा लगा रही है, क्योंकि जयपुर से बाहर झांक कर देखने की फुर्सत नहीं है इनके पास। जयपुर में बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हैं कि सारी चीजें नियंत्रण में है। मौसमी बीमारियां नियंत्रण में है, पर इस मौसम के अंदर पूरे देश के अंदर मौसमी बीमारियों का प्रकोप फैलता है। हमने व्यापक स्तर पर फॉगिंग करने का काम प्रारंभ कर दिया है और पिछले 2 दिनों के अंदर सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अंदर जो आउटडोर 12 और 13 हजार पर पहुंच रहा था, वो इस बार अब कल का 9,700 था, कुछ कम होना प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूं सारी चीज नियंत्रण में। शर्मनाक और इससे भी कहीं ज्यादा बेपरवाही भरा बयान देकर राठौड़ साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आंकड़े भले ही पहले से कुछ कम हुए हों, लेकिन मौजूदा मरीजों की संख्या इस बात का गवाह है कि हालात अब भी सुधरे नहीं। कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। PCC चीफ सचिन पायलट के मुताबिक सरकार अगर सही तरीके से प्लानिंग करती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। हो चिकनगुनिया हो, मौसमी बीमारी हो रही है, ये पहली बार ऐसा मौसम नहीं बदल रहा है। सरकार को चाहिए था कि 2 महीने पहले एक कंटिजेंसी प्लान बनाते, एक फ्रेमवर्क बनाते, क्या कदम उठाने हैं, लोगों को सचेत करना है, सावधानियां करनी है, प्रिवेंशन के लिए क्या करने हैं, दवाइयों की किट पहुंचानी है, मेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल, नर्सेज, इन सबको चाक चौबंद करते। तो आज जो धौलपुर में आपने देखा होगा, सपोल में पेड़ से बांधकर लोग ट्रिप चढ़ा रहे हैं। जयपुर के SMS अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। अलवर में लोग स्ट्रेचर पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। धौलपुर की तस्वीरें हम पहले ही दिखा चुके हैं कि कैसे एक पेड़ पूरा अस्पताल बना हुआ है। इसके अलावा एक अनुमान के मुताबिक अकेले जयपुर में ही सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू पॉजिटिव, डेंगू लक्षण और प्लेटलेट डाउन के करीब 5,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। इससे इतर अगर सिर्फ चिकित्सा मंत्री के ही बयान पर बात कर दी जाए तो भी जयपुर में स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया और डेंगू के तकरीबन 600 से ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि वक्त रहते क्यों हालात को काबू नहीं किया गया, क्यों अभी भी सही कदम नहीं उठाए जा रहे, या फिर मान लिया जाए कि सरकार खुद इतनी बीमार है कि प्रदेश की जनता की तरफ देखने तक की हालत में नहीं। जयपुर से पीयूष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो सुना आपने, चिकित्सा मंत्री साहब कहते हैं कि अब 9000 का आंकड़ा बच गया है, लेकिन सवाल यह कि अकेले जयपुर के अंदर अगर यह आंकड़ा है तो जरा सोचिए पूरे प्रदेश का आंकड़ा क्या होगा। और अगर सिर्फ जयपुर में मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी आ गई, क्या इसका मतलब मंत्री साहब ने यह लगा लिया कि पूरा प्रदेश दुरुस्त हो चुका है? क्योंकि अजमेर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की नहीं गई। और सवाल यह भी है कि क्या 2 महीने के बाद फॉगिंग कराना चिकित्सा मंत्री को एहसास कराता है कि अपनी पीठ थपथपा ली जाए? बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता शीलदा भाई जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी और नर्सेस एसोसिएशन के संयोजक रोशन यादव जी। अशोक भटनागर जी, चर्चा को मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, आपने बयान सुना है, चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि अब फॉगिंग करा दी जाएगी, व्यापक स्तर पर करा दी जाएगी, एसएमएस के अंदर आंकड़ा थोड़ा कम हो गया। मेरा सवाल यह है कि क्या यह कहा जाए कि चिकित्सा मंत्री अब आकर यह बताने वाले हैं कि 20 मौतें हो गई, सरकार की लापरवाही रही, 12000 का आंकड़ा 2 दिन पहले था, सरकार की लापरवाही थी, विभाग निष्क्रिय था, बाकी प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर विभाग अभी भी निष्क्रिय है, काम करने का दिखावा तो हम कर ही रहे हैं। अशोक जी, विजेंद्र जी, पहली बात तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अशोक जी, क्या आप मुझे अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन रहा हूँ मैं आपको। सर, लगता है मेरी और आपकी दोनों की तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है, आपको खांसी हो रखी है, दोनों एक से चल रहे हैं। कारण क्या है कि जिस तरह से प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं और उस हालात के अंदर चिकित्सा मंत्री जी का ये बयान आना कि सब कुछ ठीक है, मरीजों की संख्या एसएमएस में कम हो गई, एसएमएस में कम इसलिए हो गई कि वहां जब लाइन में नंबर ही नहीं आ रहा था तो प्राइवेट में गए सारे के सारे। जी, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अगर मरीजों की संख्या को गिन लिया जाए तो जो ओपीडी पहले सपोज 15000 की थी, वो प्राइवेट की अगर गणना कर लेंगे तो मालूम पड़ेगा वो 50000 से क्या लाख के आसपास पहुंच गई। जी, हर प्राइवेट अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है, वहां कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एसएमएस में जब सुविधाएं नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स पूरे नहीं है, कहां से ये मरीजों का इलाज करेंगे? कोई इनका प्लान नहीं था, इन्हें मालूम था कि हर बार इस मौसम के अंदर इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। उसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हो गया कि पूरे शहर को नर्क बना रखा है नगर निगम ने, कहीं नाले सफाई नहीं हुई, कहीं नालियां सफाई नहीं हुई, कचरों के ढेर है, पॉश कॉलोनी की हालत है, सिविल लाइन जैसे इलाके के अंदर चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। उसमें मंत्री जी का ये बयान बड़ा हास्यास्पद है। अशोक जी, ये तो चिकित्सा मंत्री को भी पता चल गया होगा कि चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं वो सिविल लाइन्स में पनप रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं, हमसे अच्छे से जानते हैं वो। सर, सवाल यही है कि क्या सरकार का नाकारापन आज चिकित्सा मंत्री की पीठ थपथपाने के लिए काम कर रहा है? आंकड़े अगर बढ़े हैं और एसएमएस में कम हुए, आपने जिस तरीके से कहा कि वहां पर लोगों का नंबर नहीं आता है इसलिए बेचारे मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं और आंकड़ा कम हो रहा है, और मंत्री साहब अब ये कह रहे हैं 2 महीने बाद कि फॉगिंग बहुत तेजी से की जाएगी, आपको लगता नहीं कि दोनों ही बयान गुस्सा भी दिलाते हैं, हंसी भी दिलाते हैं और शर्म भी पैदा करते हैं? नहीं, शर्म तो इस सरकार को किसी भी बयान पर नहीं आती है जी। किसी मंत्री को कोई शर्म नहीं आती है। जनता चाहे मर रही है, 20-20 लोगों की मौत हो जाना, वायरल का नाम दे दिया गया। अरे, जब जांचें ही नहीं हो रही तो वायरल ही वायरल कहोगे और लोगों को मारते चले जाओगे? आपके पास स्टाफ नहीं है, आपके पास लेबोरेटरीज में आपके टेक्नीशियंस नहीं है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आपके पास सफिशियंट डॉक्टर नहीं है। आप शहर की बात छोड़िए, आप गांव के हालात देखिए। हालात ये हो रहे कि चौपाल के ऊपर कांटे बिछ गई है लोगों की, लोग मर रहे तिल तिल करके, ना डॉक्टर है ना कोई टीम है, और कहा यह जाता है हमने डॉक्टरों की टीम रवाना कर दी। शर्म आती है ऐसे मंत्रिमंडल पे और ऐसी सरकार पे जी, जिसको अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। ठीक, राजेंद्र सिंह जी का कहना बड़ा आसान हो गया। ठीक है अर्चना जी, अक्सर हम बातें करते हैं कि खबरों पर सरकार स्टैंड लेती नहीं और खबरों के नेचुरल डेथ तक इंतजार करती है, लेकिन यहाँ पर इंसान की एक्चुअल डेथ हो रही है, आंकड़ा 20 का पहुंच चुका है। क्या इस खबर पर भी ये कहा जाए, जिस तरीके से मंत्री साहब ने बयान दिया कि इंतजार इस बात का हो रहा है कि अगर तेजी से गर्मी कुछ पड़ जाएगी तो शायद असर कुछ कम हो जाएगा और सरकार अपनी वाहवाही ले लेगी, जमीन पर कुछ नहीं करेगी?
देखिए विजन, जब मंत्री ऐसे बयान देते हैं तो समझ में आता है कि लोग बिल्कुल नाकाबिल हैं और अपनी जो इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए या कार्यप्रणाली होनी चाहिए उसे खुद प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मंत्री खुद ही त्रस्त हैं क्योंकि वो खुद ही ग्रसित हुए चिकनगुनिया से। आज आपका भी गला खराब है, मेरे पड़ोस में जो भटनागर साहब बैठे हैं उनको भी थ्रोट इन्फेक्शन है, यानी महामारी का रूप तो इस वायरल इन्फेक्शन ने ले ही लिया है। लेकिन समस्या ये है कि SMS जो सबसे बड़ा अस्पताल है इस राज्य का, वहां पर जब मरीज जा रहा है और वहां जाकर के उसे कहा जाता है कि डेंगू जैसे लक्षण है पर डेंगू नहीं है, यानी कि ना तो टेस्ट हो पा रहे हैं ना उनका पूरा इलाज हो रहा है और कहा जा रहा है कि वायरल से मौतें हो रही है, तो स्थितियां बहुत विकट है क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है ना इलाज के संसाधन वहां मौजूद है। और सही कह रहे थे भटनागर साहब कि धौलपुर जिले में तो हमने खुद ने इस बात के गवाह बने आपके न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से कि हमारे पास संसाधन भी पूरे नहीं है, मरीजों को पेड़ के नीचे ड्रिप लगा करके लिटा दिया गया और ये मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। अब हो सकता है कि OPD जो है SMS हॉस्पिटल की, जो भटनागर साहब ने कहा उसमें काफी कुछ सच्चाई भी है कि जब आप इलाज नहीं देंगे, सुविधा नहीं देंगे, तो लाइन में कैसे 104 105 का बुखार का पेशेंट खड़ा होगा या उसके परिजन उसको लेकर के उस अव्यवस्था के बीच में मौजूद रहेंगे। फिर तो यही है कि जेब कटनी है तो कटे, लेकिन जान जाने से तो अच्छा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के शरण में जाए। लेकिन अर्चना जी, एक चिकित्सा मंत्री, एक चिकित्सा मंत्री सिर्फ जयपुर की बात करते हैं, जयपुर के एक अस्पताल की बात करते हैं, पूरे प्रदेश की बात नहीं करते। अजमेर हो गया, धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया, कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, यहां पर हर जगह आंकड़े बढ़े हैं। मंत्री साहब कहते हैं कि SMS में कम हो गया, समस्याएं नहीं है, अब नियंत्रण में हो गया। 9000 के आंकड़े पे वो कहते हैं कि नियंत्रण है। देखिए विजन, 60,000 से ज्यादा लोग राजधानी में आज ग्रसित हैं इस बीमारी से और सफाई की अव्यवस्था इस प्रकार से है कि इनका खुद का एक पार्षद, अब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो वही जाने, वो खुद एक फॉगिंग मशीन लेकर के आया, उन्होंने एक समाचार पत्र में अपना चित्र भी छपवा लिया कि साहब संसाधन नहीं मिल रहे तो मैं ही फॉगिंग करवा रहा हूँ अपने संसाधन से। तो अगर ये अव्यवस्था है तो इसका क्या इलाज करिएगा जब सरकार संवेदनशील नहीं है। लेकिन विडंबना सिर्फ यहीं तक आकर के नहीं रुकती है। आप SMS हॉस्पिटल की बात करें, जयपुरिया हॉस्पिटल में जब हम 3 दिवस पहले इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि मंत्री दावे करें कि मुफ्त इलाज शुरू हो गया, मुफ्त टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन आज भी वहां पर्चियां काटी जा रही हैं। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि लोगों को वहां पर परेशान होकर के और वैंडलिज्म पर उतरना पड़ा, हालांकि वो भी अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अव्यवस्थाएं व्याप्त है। तो सारी चीजें इसकी द्योतक है। हम किसी डॉक्टर पे, नर्सिंग कर्मी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, उनके पास ना तो संसाधन है ना उनके पास पूरा स्टाफ है, संख्या सीमित है और सरकार इस तरफ देखना नहीं चाहती। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जितनी भी चिकित्सा विभाग की नियुक्तियां थी नर्सिंग स्टाफ को लेकर के, वो सारी नियुक्तियां जब ये महामारी उसका स्वरूप ले रही थी, सीजनल बीमारियां, तब उनको रद्द कर दिया। तो जब आपकी सोच, आपका रवैया इस प्रकार का हो कि आप सामने दिख रहे खतरे से मुंह छुपाना चाहते हो, शुतुरमुर्ग की भांति हर चीज का इंतजार करते हो कि उसका शमन स्वयं ही हो जाए, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा कि मैं शुरू से कह रही थी कि ये सरकार हमेशा हर खबर की स्वाभाविक मृत्यु जो होती है उसका इंतजार करती है, लेकिन लोगों को मरने का इंतजार यदि सरकार करती है और ये कहती हो कि ये तो हर समय होने वाली बीमारियां हैं, इनके लिए इंतजाम माकूल है, लेकिन इंतजाम माकूल तब माने जाते कि आपने तत्परता उस समय दिखाई होती जब आपको अंदाजा था कि इस बार मानसून अच्छा हुआ है, पानी की निकासी आप नहीं करवा पाए, महामारी फैलनी थी, मच्छर पनप रहे थे और इन सब के लिए कंटिंजेंसी की मीटिंग होती है जिसको आपने ब्रिक्स सम्मेलन के नाते करने का कोई जहमत नहीं उठाई। तो आपकी अव्यवस्थाएं तो तैयारियों के स्तर पर भी थी और जब इसने स्वरूप ले लिया एक महामारी का, तब भी आपकी कोई व्यवस्था नहीं, खुद अभी भी व्यवस्था दिखाई दे नहीं रही है। शीलदा भाई जी, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, फोगिंग हो गई, सफाई हो गई, बाकी 50 तरीके के काम हो गए, मच्छर मारने तक आपका पैसा काम नहीं आ रहा है, जनता का करोड़ों अरबों रुपए मच्छर तक नहीं मार पा रहे हैं, विकास की बात करेंगे। देखिए विजयन जी, इस बात को मैं मानती हूँ कि कर्मचारियों की थोड़ी लापरवाही रही, समय पर फोगिंग हो जानी चाहिए थी और कई टेक्निकल कारण रहे जिसके कारण सफाई भी ढंग से नहीं हो पाई। मैम तो ठीक है, आज मुझे अच्छा लगा, चिल्लाया, वाकई में मुझे अच्छा लगा कि आपने आते ही गलतियों को मान लिया। मैम सिर्फ ये और मान लीजिए कि जो 20 मौतें हुई हैं वो सरकार की लापरवाही से हुई है, मैम ये और मान लीजिए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए जी, जो डिले हुआ, जो बीमारियां फैली, लेकिन अब वो आगे रुके, ये आंकड़ा जो बढ़ रहा था वो थोड़ा रुके
और लोगों को प्रॉपर मिले, इलाज मिले, इसकी तैयारी भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। नगर निगम भी फोगिंग करवा रहा है और जो मंत्री हैं, यूडीएच मंत्री हैं, वो स्वयं मीटिंग करके लोगों को, अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सफाई व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। चिकित्सा मंत्री भी कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी, स्पेशली जी अर्चना जी को मैं बताना चाहती हूँ। दवाई जी जो वर्तमान में बीमार है उसका क्या कर रहे हैं? जब आपके पास स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं अर्चना जी को बताना चाहती हूँ, मेरी स्वयं की बहन बीमार पड़ गई थी पिछले 4-5 दिन। जब आपके डिबेट हुई थी तो मैंने भी हकीकत जानने की कोशिश की। मैंने अपनी बहन को वैशाली नगर एक डिस्पेंसरी पे इलाज के लिए भेजा और मैं आज खुद यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि वो वहां पर तुरंत जांचें हुई और 3 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई और फ्री मुफ्त में दवाई भी मिली। हो गया सर, बिल्कुल हो गया, आपका उसका नाम काम आ गया। आपका पद है, आपका पद है, इसलिए आप सत्तारूढ़ पार्टी के लीडर है, इसलिए आपका पद काम आया। शीलदा भाई जी, शीलदा भाई जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। शीलदा भाई जी, शीलदा भाई जी, क्या आप चाहते हैं? मैम तस्वीरें देखिए जरा, तस्वीरें से देखिए जरा, आपको लगता है इनका नंबर आएगा? सुन लीजिए, ये कोई तस्वीरें बनाई गई तस्वीरें नहीं है मैम, आपके ही प्रदेश की तस्वीरें हैं, आपकी सरकार की व्यवस्था की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए, कैसे स्ट्रेचर पर लोग लेटे हुए हैं, सैकड़ों की लाइनें लगी हुई हैं, सैकड़ों की लाइनें लगी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए बिजेन जी, मैं इंतजार नहीं कर रही जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो बीमार हो गए उनको किस तरह स्वस्थ करना है, उनको किस प्रकार चिकित्सा सुविधा मिलनी है, इसकी मैम किसको मिल रही है? सरकारी अस्पताल में भी अगर व्यक्ति विशेष को सुविधाएं मिलेंगी, गरीब बेचारा कहाँ चला जाए? गरीब को मुफ्त दवाइयां मिल रही है। मैं आज आपको, आप चाहते हैं मुफ्त दवाओं की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं? अलवर में किस तरीके से 300 रुपए में फ्री के इंजेक्शन आपके ही नर्सिंग कर्मी जनता को दे रहे हैं, कहते हैं कि सरकारी इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। अब चाहते हैं सुनाऊं मैं आपको, तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको डीक की, डीक के अंदर किस तरीके से डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में नहीं बैठ रहे हैं। नहीं, मैं आप कहा ना, मैं जो आप दिखा रहे हैं मैं कोई सवाल नहीं कर रही। हो सकता है किस तरह के दलाल हो, लेकिन उन पर भी सरकार की पूरी नजर है। वो किसी तरह से मरीज, मैम नजरे इनायत ना कीजिए, नजरे टेढ़ी कीजिए उन पर, उनकी चिंता भाई जी, नजरे इनायत करने की जरूरत नहीं है, नजरे टेढ़ी कीजिए उनकी। सरकार अपने पूरे 85 बच्चों को दवा बांटने का काम दे रखा, फार्मासिस्ट नहीं है आपके पास, सरकार इस महामारी को ले रही है जी। और ये प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी इन बीमारियों पर कंट्रोल पाया जाए और यथासंभव। मुझे लगता है कि बीजेपी को एक हवन कराना चाहिए कि जल्द से जल्द भगवान की कृपा प्रदेश पे और महामारी रुक जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त होती मैम नजर नहीं आ रही हैं। नेचुरल डेथ होगी, यकीन मानिए, कुछ नहीं होना है। आप देखिए विजेंद्र, इस तरह जी कह रही हैं कि ये महामारी है, चलो ये स्वीकारोक्ति हुई, कम से कम ये राहत की बात है राजस्थान की जनता की। नहीं, आज उन्होंने काफी कुछ माना है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं मान रही है जी, चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति को स्वीकार नहीं कर रही सरकार। सरकार तो दावा कर रही है कि एसएमएस हॉस्पिटल में ओपीडी के आंकड़े में कमी आ गई, दैट मींस कि आंकड़ा कम है तो महामारी का जो स्वरूप है वो कम होता जा रहा है। तो सच्चाई ये है कि वास्तविकता से रूबरू ये भी है, लेकिन सिर्फ दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इनके नाम का इस्तेमाल हुआ है, बहनकर आदमी अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के पास न तो रसूखदार नाम है, ना उसके पास कोई अप्रोच है, ना उसके पास संसाधन है। अर्चना जी, आम आदमी अगर आज सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से पर्ची लिखवा है तो अपने आप को महान समझने लगता है। रोशन यादव जी सर, व्यवस्थाएं आप बखूबी जानते हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं क्या है, जरा शीलदा भाई जी को भी बताइए कि जिस तरीके के वो सपने दिखा रही है, हकीकत उससे ज्यादा डरावनी है। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, जिस हिसाब से राजस्थान में मौसमी बीमारी फैली है और जितने मरीज बढ़े हैं मौसमी बीमारी से, एसएमएस में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया जी, और इतने दबाव बढ़ने के बाद भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई जी, कोई ओपीडी काउंटर अलग से नहीं लगाया गया, कोई ऐसे कोई दवाई की दुकान है जो अलग से नहीं खोली गई जी, और बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है, भीड़ को देखते हुए लोग प्राइवेट में भी जाना पसंद करते हैं जी, और जितने मरीज आ रहे हैं उतना संसाधनों की एसएमएस में काफी कमी है जी, और स्टाफ की भी कमी है,
डॉक्टर्स ओपीडी की भी कमी है। रोशन जी, वैसे ही मैं जानना चाहता हूं कि एक मरीज आज अगर एसएमएस अस्पताल पहुंच जाए बीमारी को लेकर, सर कितने घंटों में नंबर आएगा? सर हर जगह लाइन में खड़ा होना पड़ता है जी। आपको पर्ची कटाएंगे तो भी लाइन लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास ओपीडी में जाएंगे, वहां भी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसकी पहले पर्ची कटवाओ, वहां भी लाइन बिल कटवाते हैं, वहां भी उसकी लाइन लगती है, उसके बाद फिर आपको ट्रीटमेंट लिखा जाता है। तो काफी लाइन का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उस तरीके से कोई ज्यादा संसाधन है नहीं अभी। क्या आपको लगता है चिकित्सा मंत्री बयानों में जितने गंभीर नजर आए एसएमएस को लेकर उतने गंभीर है? सर प्रदेश की तो बात छोड़ देते हैं क्योंकि हर जगह की तस्वीरें हम दिखा चुके हैं, कहीं व्यवस्था ही नहीं सुधरी है। एसएमएस का दावा मंत्री साहब कर रहे हैं, क्या एसएमएस अस्पताल में कुछ बदल गया? ये जो पहले से चल रहा है वही अभी चलता है, अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। भाई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मौसमी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने लोग आ रहे हैं तो उनको देखते हुए कोई ओपीडी काउंटर बढ़ा दिए हो या कोई दवाई की दुकान अलग से खोल दी हो या कोई नर्सिंग स्टाफ और ज्यादा बढ़ा के अतिरिक्त लगा दिए हो, ऐसा कोई किया नहीं गया जिससे। ठीक है, चिल्ला भाई जी जवाब दीजिए। मंत्री जी सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं। मैम एसएमएस अस्पताल में एक भी तो वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं, किसी भी लेवल पर आकर कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए व्यवस्थाओं से मतलब डॉक्टर्स की जो कमी थी, डॉक्टर्स के जो ट्रांसफर हो रहे थे वो सब रोक दिए गए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है। दवाई जी सुन लीजिए, रोशन यादव जी बता रहे हैं ना नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया, ना दवाई का काउंटर लगाया, ना डॉक्टर्स वहां बढ़ाए, व्यवस्था की गई। कौन सी व्यवस्था? प्राइवेट में भी कौन सा गरीबों का बीपीएल का मुफ्त इलाज हो रहा है? प्राइवेट में भी कहाँ हो रहा है? वो भी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है आपके मंत्री से? मुफ्त में दवाइयाँ दे रही है, इलाज कर रही है और जहाँ तक वो ऑनलाइन भी रिपोर्ट देने की व्यवस्था की जा रही है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर। मैम फिलहाल तो लाइन की बात कर लीजिए, ऑनलाइन पे ना जाइए, लाइनें जरा देख लीजिए। मैम देखिए लाइन तो बनती है। आप मुझे बताइए ना कौन सा गरीब आदमी ऑनलाइन जाकर रिपोर्ट लेता है, बताइए ना मुझे। देखिए मरीज सब तरह के मरीज हैं, कोई ये नहीं कि कोई अनपढ़ या पढ़े लिखे मरीज कोई भी हो सकता है। तो अपनी सरकार केवल अपर लेवल वालों के लिए बनी हुई है, उन्हीं के लिए अस्पताल है, उन्हीं के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। गरीब के लिए गरीब का कुछ नहीं है, गरीब मरेगा राज्य में, गरीब मरेगा, कोई नहीं मरेगा, गरीब मरेगा, कोई इंतजाम नहीं है। दवाई जी आप तरफ झांकेगा नहीं, आप इस चीज को मान लीजिएगा और आप फिर कहिएगा कि एसएमएस में अस्पताल के अंदर मरीज आ ही नहीं रहे, महामारी क्या यहाँ तो बीमारी तक नहीं है। गरीब कंप्यूटर से ऑनलाइन रिपोर्ट निकालेगा? देखिए मैंने इतना सक्षम हो गया मैम तो वो सरकारी अस्पताल नहीं आएगा। सब तरह के मरीज है, ये सुविधा के लिए सरकार ने ये करा है और दवाइयां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ रही हैं, स्टोर पे पहुंचाई जा रही हैं, जांचें निशुल्क की जा रही हैं और जो भी सुविधा मरीज के इलाज के लिए चाहिए वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। मैम ये तो आपका वर्जन है ना, लेकिन नर्सिस एसोसिएशन से रोशन यादव जी कहते हैं कि वहां पर निलवटा सन्नाटा है, जो पहले था वही आज है, जीरो को वन नहीं किया गया, आप 10 की बात करते हैं। देखिए विजय जी, मैं तो आप इनसे आप पूछेंगे तो ये भी वही बात बोलेंगे जो चिकित्सा मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन यदि कोई अलार्मिंग सिचुएशन आती है तो स्पेशल उसके लिए तैयारी होती है, उसके लिए स्पेशल रिसोर्सेज डेप्यूट करने पड़ते हैं। अब ना तो चिकित्सक आप ला सकते नहीं क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं किए, नर्सिंग स्टाफ लाना था वो भर्तियां आपने निरस्त कर दी, ऐसी अवस्था में कोई विशेष मैन पावर के रूप में कोई आपने इक्विपमेंट उनको वहां पे लगाया हो ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा। मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात हो तो उसमें तो आपकी जो ऑलरेडी स्टैंड बाय मशीन्स पड़े उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कई मशीन्स ऐसे हैं जो कि कई समय से आए हुए उनको आपने चालू नहीं किया और जो चालू थे उनकी हालात खराब है। तो आप ये मत कहिए कि आपने स्पेशल व्यवस्था की इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर मैन पावर को, वो तो आपने नहीं की, लेकिन आप एक स्पेशल व्यवस्था ये कर सकते थे कि जो सोशल सर्विस करने में लोग इच्छुक थे, एक आपको सूचना ही तो देनी थी, एक अपील ही तो करनी थी, लेकिन आप अपील करेंगे तो आपकी
पोल ही खुल जाएगी, जो आपके दावे हैं उनकी पोल खुल जाएगी। और जो सोशल सर्विस करने वाले लोग हैं उन्होंने राजस्थान में संस्कृति रही है कि कभी किसी प्रकार की आपदा आई तो लोग आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं, लेकिन आप घोषणा नहीं करेंगे, आप अपील नहीं करेंगे उनसे कि वो आकर के वहां विशेष सेवाएं दे, क्योंकि आप जैसे ही अपील करेंगे तो उन्हें आपकी सच्चाई पता चलेगी कि ना तो मुफ्त दवा योजना जो पहले से सुचारू रूप से चल रही थी कांग्रेस शासन में वो आज लागू है, ना फ्री टेस्ट करने की आप कुछ योजना बना के बैठे। आपने कहा मेडिकल कॉलेजेस एफिलेटेड हॉस्पिटल में तो फ्री ट्रीटमेंट होगा, लेकिन अन्य जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जांचें नहीं होंगी मुफ्त में। और इसका उदाहरण हमने पिछली बार भी कहा था, आज भी मैं कहती हूं कि जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं सरकारी वहां पर जांचें मुफ्त नहीं हो रही है। तो ये सारी स्थिति इसलिए है क्योंकि आपके पास जो संसाधन है या जिनको आपको और इंक्रीमेंट करके और उनको संसाधनों को बढ़ाना चाहिए तो वो मंशा आपकी नहीं है ना इच्छा शक्ति है। आप सिर्फ और सिर्फ इस भरोसे बैठे कि मौसम चक्र में परिवर्तन आ जाए, वायरस का जो प्रोलिफ्रेशन है वो थम जाए, तो आप नेचुरल जो व्यवस्था है उस पर विश्वास करके और अपने संसाधनों को दबा करके अक्षमताओं पर बैठे कुंडली मार करके। ये अवस्था है राजस्थान। चिकित्सा मंत्री या भगवान भरोसे हो चले हैं, वो भी अब सोचने लगे हैं कि अगर भगवान मौसम को बदल दे, बीमारी पर थोड़ा कंट्रोल लगे तो शायद उनको भी राजनीतिक थोड़ा फायदा मिल जाए और वो भी सीना ठोक कर कह सके कि उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया। तो प्रदेश के 33 जिलों के अंदर मौसमी बीमारी ने कहर बरपा रखा है, लेकिन प्रदेश के चिकित्सा मंत्री कहते हैं कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि उनके पास एक आंकड़ा आता है। आंकड़ा एसएमएस अस्पताल का है, जहां पर दो दिन पहले आउटडोर जो लगभग 12,500 के करीब हुआ करता था वो अब घटकर 9,000 हो गया है। लेकिन सच्चाई है कि जो आंकड़ा यहां पर घटा है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या एक चिकित्सा मंत्री सिर्फ एक अस्पताल को लेकर ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया, जबकि ना तो डॉक्टर बढ़ाए, ना नर्सिंग स्टाफ बढ़ाया, ना लैब टेक्नीशियन बढ़ाए, ना उपकरण नए खरीदे गए और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। तो क्या हवाओं में ही व्यवस्थाएं सुधर गई? बात इसी मुद्दे पर कर रहे हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ लगातार बनी हुए पीसीसी उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी, बीजेपी नेता शीलदा भाई जी, वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी और मेरे साथ नर्सिंग एसोसिएशन से संयोजक रोशन यादव जी भी बने हुए हैं। शीलदा भाई जी, सीधा सा सवाल मैं करूंगा, व्यवस्थाओं की जितना महिमामंडन करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिएगा कि पिछले 2 साल के अंदर या कहें 2 महीने के अंदर सरकार ने कितने तो डॉक्टर भर्ती किए, कितना नर्सिंग स्टाफ भर्ती किया, कितने लैब टेक्नीशियन भर्ती किए, कितनी मशीनें नई खरीदी गई, वैकल्पिक व्यवस्था का मतलब भी समझाइए मैम। देखिए बिजेन जी, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सरकार हमेशा नर्सिंग की स्टाफ की भी लेती रही है और डॉक्टर्स मैम बताइए ना, 2 महीने में ऐसा क्या बदल दिया? देखिए विजय जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर्स की काफी संख्या में जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है और भेजा गया है और उनको आवश्यक सेवाओं के तौर पर उनको भर्ती किया गया है। मैम बताइए ना, जनता जानना चाह रही है, बताइए ना कितने डॉक्टर्स की भर्ती कर ली पिछले 2 महीने में? मैं कितने लाख टेक्नीशियन भर लिए गए, कितनी मशीनें खरीदी गई, आवश्यकता आप आंकड़े बताइए ना। जब नर्सिंग की वैकेंसियां कैंसिल कर दी गई तो आंकड़े आप कहां से गए? नहीं देखिए, मैं अगर आपसे आंकड़े बात करूंगी तो आप कहेंगे कि आंकड़ों का प्रूफ दीजिए, तो मैं इसलिए कह रही हूं पैनल पे और जनता आपको देख रही है, आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा जी। हजारों मैं बोल रही हूँ, हजारों की संख्या में डॉक्टर्स पूरे राजस्थान में सरकार ने लेके देखिए विजेंद्र, जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री झूठ बोलती है रोजगार के संदर्भ में, तो वहाँ के प्रवक्ता अगर झूठ बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल अर्चना जी, 9.5 लाख रोजगार देने की बात जारी करके बताना चाहिए कि कितनी नौकरियां दी। आज बेरोजगार युवा जो अपने आप को छिला हुआ महसूस कर रहा है, आपने देखा विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने वाली सरकार ने आज कैसी घोषणा कर दी कि विद्यार्थी मित्रों को हम पंचायत राज के थ्रू पता नहीं कौन से पोस्ट में लगाएंगे, वो भी 1 साल के लिए। शिक्षा विभाग में नियमित करने की बात करने वाली सरकार फिर उनको एक तरह से 3.5 का है, कुछ पता ही नहीं कितने पैसा देंगे उनको, मानने भी नहीं देंगे उनको, रेगुलर करेंगे। तो ये बिल्कुल
झूठी सरकार है और झूठ के आधार पर अपने दावों को रखते हैं, खोखले दावों को। ऐसी झूठी सरकार की बातों पर कौन विश्वास करेगा मुझे बताइए। मेडिकल सेक्टर में कोई भर्तियां नहीं हुई, सरकार का मानक जो था वो इस मेडिकल सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन पर है। विद्युत विभाग का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, कल ही इन्होंने कमर तोड़ महंगाई में एक और हथौड़ा जनता की कपाल पर मार दिया कि आप और बढ़ी हुई दरों के साथ बिजली के बिलों को भरिए, जबकि इन्होंने कहा उदय योजना लाकर के सारे फंड्स को हम अपने ऊपर ले लेंगे। मैं आपकी उस बात के लेकर हूँ जिसमें आप झूठे दावे यहाँ पर कर रहे हैं। झूठा दावा नहीं करी मैं, सब राजस्थान की जनता को एक लाइव चैनल पर आश्वस्त करना चाहती है और सच्चाई का आपका दावा है तो आपको आंकड़ों के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। लेकिन हम आपसे ज्यादा उम्मीद इससे नहीं रख रहे क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री खुद झूठी है। जब संभागों के दौरे पे जाती है, जिलों के दौरे पे जाती है तो जाकर बोलती है कि 9.5 लाख रोजगार दे दिया आपके श्रम मंत्री ने बोला। जब हमने कहा कि श्वेत पत्र जारी करो तो आप जारी करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर चिकित्सक होते, नर्सिंग कर्मी होते तो ये महामारी का स्वरूप नहीं लेता। ये स्वरूप आपकी देन है जहाँ आपने चिकित्सा विभाग को आपकी मुख्यमंत्री गृह नगर में उनके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री भगवान दर्जनों संख्या में लोग मारे जा रहे हैं बीमारियों से। अशोक भटनागर आपका सवाल, मुख्यमंत्री भगवान में बड़ा विश्वास रखती है, तंत्र विद्या में भी विश्वास रखती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की तरफ सारा ध्यान केंद्रित है कि भगवान से दुआ कर ली जाएगी, तंत्र विद्या से काम कर लिया जाएगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। इस तरीके से जमीन पर करने से कुछ नहीं होगा। विजेंद्र जी, मुख्यमंत्री अब प्रदेश के बाहर हैं जी, मैं नहीं कह सकता कि वो तंत्र विद्या या कोई तांत्रिक प्रक्रिया करने गई हो जी, लेकिन ये बात पक्की है कि आज से एक महीने बाद हम इस विषय पर बात नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि स्वतः ही मौसम परिवर्तन होता है और धीरे धीरे सैन्य सैन्य ये बीमारियां कम होंगी, लेकिन तब तक ये मौतों का आंकड़ा कितना हो जाएगा। इस सरकार का दायित्व तो बनता है उसे अपने हर जनता को, गरीब हो चाहे अमीर हो, समान रूप से उसे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी जी। अगर नहीं कराती है तो इस सरकार का पतन निश्चित हो जाएगा जी। इसमें कोई दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि शुक्र है मौसम का लेकर अभी तक बीजेपी ने कहा नहीं, धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। दिगंबर सिंह जी को जब इनके ऊपर मॉनिटर बनाया था जी, तो डॉक्टर दिगंबर सिंह जी चूंकि स्वयं प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, वो तो कम से कम इनको 2 महीने पहले सुझाते थे कि ऐसा मौसम आने वाला है, अरे भाई तैयारी कर लो। लेकिन इस राज्य की जनता को मारने के लिए क्यों छोड़ दिया? भटनागर साहब आप भूल गए, दिगंबर सिंह जी डॉक्टर होंगे लेकिन खुद अस्वस्थ, उनके स्वास्थ्य लाभ हो जाए, उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, जिस सुपर विभाग का मॉनिटर और मंत्री दोनों अस्वस्थ हो जाए। अर्चना जी, जिस विभाग का मंत्री और मॉनिटर दोनों अस्वस्थ हो जाए तो जनता किसके ऊपर देखेगी? सवाल ये नहीं है कि आज क्या हो रहा है, सवाल ये है एक भी नर्सिंग कर्मी की भर्ती सरकार ने नहीं करी। पिछली सरकार ने जितनी नर्सिंग कर्मियों की भर्तियां निकाली थी डायरेक्ट भर्ती, वो सारी की सारी निरस्त कर दी गई। डॉक्टरों की बात अभी शील दाभाई जी ने कही, मैं बड़े सम्मान के साथ दाभाई जी से पूछना चाहता हूँ, दाभाई जी आपने हजारों डॉक्टरों की बात कर दी कि नई भर्ती करी गई है, आप कम से कम संख्या तो बता दीजिए। अगर हजारों डॉक्टर प्रदेश में कर दिए गए होते तो हम चिकित्सा मंत्री के पेशानी पर इतने पसीने ना होते। जो आज मुझे लगता है कि भाई जी ये भी आंकड़ा बता दें कि हर साल कितने डॉक्टर प्रदेश में बनते हैं, को मारने के लिए छोड़ के वाकई में सरकारी प्रैक्टिस करते हैं तो भी एक बड़ी चीज है। शीलदा भाई जी हजारों डॉक्टर देखिए, इतना तो प्रोडक्शन नहीं है मैम जी। देखिए प्रदेश विजेंद्र जी, मैंने कहा कि आवश्यकता जितनी जहां पर पड़ी उसके अनुसार डॉक्टर्स को वहां पर भेजा गया। अरे सही आंकड़े, तो ये व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है मैम? और दूसरी एक मिनट में क्यों लंबी लंबी लाइनें लगी है? मेरी बात सुनिए विजेंद्र, क्यों मौत का आंकड़ा 20 हो गया? 3 लाख का आउटडोर हर दिन का है, अगर इतने ही डॉक्टर हैं तो। देखिए मैंने कहा, पहले ही कहा था कि कर्मचारियों की थोड़ी लापरवाही की वजह से अव्यवस्थाएं फैली। आप मुझे बताइए ना किसी एक पे जो कार्रवाई आपने की है, लोग मर रहे हैं। सुन लीजिए, सरकार की आवश्यकता क्या है? सरकार कर्मचारियों पे जनता निर्भर होगी तो बहुत ताज्जुब होता है। शासन जवाब दीजिए, सिंधा भाई जी जवाब दीजिए, अगर कर्मचारियों की लापरवाही से भी 20 लोगों की मौत हो गई, प्रदेश में 3.5 लाख लोग मरीज हो गए, आपने किस पर कार्रवाई की? देखिए कार्रवाई हो गई,
जिनकी लापरवाही रही, जो डिले जिस तरह से हुआ, ठीक है मैम, समझ गए। बीजेपी ने कार्रवाई भी कर दी, वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी, जनता जो है वो जनता जो वैकेशन चाहती है, इसलिए शायद मरीज इसलिए बीमारी का सर्टिफिकेट वो बनवाना चाहती है, ठीक है मैम, यही मान लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है सिल्दा भाई जी, यही मान लिया जाएगा कि जनता जनता बीमारी का सर्टिफिकेट लेकर वैकेशन पर जाना चाहती है, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, ये मान लेंगे। देखिए विजयन जी, मुझे आपकी बात बहुत हास्यास्पद लगी। मैम कमाल कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे डॉक्टर कितने भर्ती किए, नर्सिंग स्टाफ कितने भर्ती किया, आप आंदोलन पर बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्थाओं को समझ नहीं रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ, ये थोड़ी बोल रहे हैं। भगवान भरोसे छोड़ दो इस जनता को, अगर भगवान से बड़ा कोई नहीं है तो भगवान भरोसे छोड़ दो, जैसे छोड़ रखा आप लोगों ने, मरेगी प्रदेश की जनता, आप अपने सत्ता के मद में मस्त रहिए। रोशन यादव जी सिंधा भाई जी को भी बताइए और प्रदेश की जनता को भी बताइए, सर पिछले दो महीने के अंदर सरकार ने क्या कोई प्लान बनाया है, क्या किसी की भर्ती की है, क्या कहीं पर वैकल्पिक व्यवस्था की है? रोशन जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी दो महीने में तो कोई नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती नहीं की गई जी, नहीं कोई डॉक्टर लगाए गए हैं, सर के हजारों डॉक्टर लग गए प्रदेश में, और जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, मतलब मौसमी बीमारी के, उस हिसाब से कोई ज्यादा व्यवस्था संसाधन उपलब्ध कराए नहीं गए जी, और कर्मचारी हमारे मेडिसिन वार्ड में दो नर्सिंग स्टाफ होता है और करीब 150 से 200 मरीज उसमें एडमिट होते हैं, लेकिन वो अपने स्टाफ भाग भाग के काम करके और उनके सबकी सेवा करते हैं, ऐसा कर्मचारी की लापरवाही से अभी तक कोई मौत हुई नहीं जी, ये सब गलत इनका गलत है, कर्मचारी की गलती से कोई मौत होगी, लेकिन हिसाब से मौसमी बीमारी बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई अलग से ओपीडी की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था या संसाधन बढ़ाने चाहिए थे जी, गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से, सर दो महीने में मौसमी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एक क्या आप उदाहरण दे सकते हैं जो सरकार ने कदम उठाया हो? मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा, हमारा तो हमारे इस दो महीने, सिंधा भाई जी जवाब दीजिए, ये 24 घंटे अस्पतालों में काम करते हैं, इनको एक उदाहरण नजर नहीं आ रहा है सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कोई की हो, कंट्रोल करने की कोशिश की हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार भी भगवान भरोसे चल रही है? देखिए विजयन जी, मैंने जो कहा था, मैंने कही कि जो सफाई व्यवस्था डिले हुई, फोगिंग नहीं, उन कर्मचारियों, अरे मैम तो निगम को बर्खास्त कीजिए ना, सरकार के जनता को क्या मिल रहा है बताइए मुझे, कर्मचारियों को जो निगम किसका है, बोर्ड किसका निगम है, शीलदा निगम आपका है, बोर्ड आपका है, मेजोरिटी में शीलदा भाई जी, प्रदेश के सातों बोर्ड आपके पास है, जनता को क्या मिल गया, कर दीजिए ना सातों को बर्खास्त अगर नहीं काम कर पा रहे तो। देखिए जहाँ सफाई में जो आपके मंत्रियों ने खुद ने सबको निकाल दिया, और मंत्री ये नरक निगम है, आपके मंत्री का बयान नरक निगम है, देख रहे हैं ये वो तो कह नरक निगम, तो उन्होंने कहा था शांति धारीवाल जी ने, जिस टाइम बोर्ड था वो नरक निगम कहा था, लेकिन दिल्ली से फोगिंग आज उससे भी बुरा हाल है, दिल्ली से फोगिंग मशीन दिल्ली है, लंदन नहीं है जहाँ से 50 दिन लगते हैं फोगिंग मशीन आने के लिए, आ चुकी वो आ चुकी है और दुगनी तिगनी संख्या में आ चुकी है, और 2 तारीख से जिस प्रकार, ठीक है ठीक है, मुझे लगता है कि शायद यही सरकार की मंशा भी है, अशोक भटनागर जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पहले चुप बैठी रही कि मरीजों की संख्या बढ़ती रहे, जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो फिर जो पैसा है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, इस्तेमाल का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, ये पूरी सोची समझी साजिश तो नहीं जहां पर जनता बीच में शिकार हो गई? विजेंद्र जी केवल इसी विषय में सोची समझी चालें नहीं चली जा रही है जी, चाहे वो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा सफाई के जिस तरह से टेंडर डिले किए गए, जिस तरह से उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं बनाई जी, मोहल्ले गली अब कह रहे हैं सोसाइटी वाले चलाएंगे, उनको ठेले दे दिए जाएंगे, ट्रॉली दे दी जाएगी, ये तो शहर का हाल बता रहा हूँ जयपुर का मैं आपको जी, अभी भी कर्मचारियों की वहां भी कमी है, हाजिरी किस तरह से लगती है, जमादार कैसे हाजिरी लगाता है, कितनी बीट पर कितने आदमी वास्तव में होते हैं, इसको देखने वाला मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। अशोक जी मेरा सवाल यह है कि अगर वक्त से पहले अगर व्यवस्था की जाती तो शायद सवाल किए जाते कि भैया इतना पैसा यहाँ खर्च क्यों किया, इतनी चीजें क्यों मंगाई गई, इसलिए व्यवस्थाओं को पहले अच्छे से बिगाड़ दिया गया ताकि कोई सवाल ही ना करे,
कितनी महंगी खरीदी, कितना पैसा खर्च किया, कहां पर खर्च कर दिया, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। ये एक सोची समझी साजिश है। अशोक जी, विजेंद्र जी, एक तो आवाज की प्रॉब्लम है, तो पूरा साफ नहीं सुनवा रहा हूँ, फिर भी मैं आपके हाव भाव से और आपके चेहरे को देख के पहचान लेता हूँ कि सवाल क्या है जी। वाकई पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसे किसी मुद्दे की कोई गंभीरता की चिंता नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि इन्हें मालूम है आगे नहीं आना है, सूत्रों जितना सूत्रना है जी। उसी काम में लगे हुए, गरीब जनता मरे तो मरे। अरे प्राइवेट हॉस्पिटलों को क्यों नहीं इस समय पे आप एडॉप्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं उन पे कंपल्शन डालते हैं कि मुफ्त में इलाज करो, उनको रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट करेगी। देखिए कैसे महामारी कंट्रोल होती है। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े हॉस्पिटल इनके मेट्रोमॉल जैसे शहर के अंदर बने हुए हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको करोड़ों की अरबों की जमीन अनुदान के रूप में दी है इन्होंने जी। एक टोकन मनी के ऊपर पैसा देके इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। सर, अरे उनको आप कंपल्शन कर दीजिए। तो ये भी है कि करार दिया जाता है कि 20% गरीबों का इलाज होगा, लेकिन 20% कहीं होता नहीं है। अगर वो भी डॉक्टर, अगर वो भी हॉस्पिटल 20% गरीबों का इलाज कर दे तो भी ये व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, जो करार होता है, लेकिन वो करार भी काम नहीं आता। देखिए विजेंद्र जी, ये करार है, ये सारी व्यवस्थाएं, ये तो स्वाभाविक रूप से सरकार के संज्ञान में है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है उसको उपयोग करने की। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आज 3 साल हो गए सरकार को, 2.5 साल तक तो हर समस्या के लिए जिम्मेदार कांग्रेस थी इनके अनुसार। ये हर चीज के लिए कहते थे कांग्रेस की देन है, इसे हम कुछ नहीं कर पा रहे जी। अब क्या हुआ कि 2.5 साल तक जब इन्होंने इस तरह के अपने उद्गार व्यक्त किए, तोता रट्टन किया, तो इनको मुंह की खानी पड़ी, आक्रोश व्यक्त किया इनके कार्यकर्ताओं ने, तो इस पर तो विराम लगा। अब इनकी शुरुआत हो गई अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर आक्षेप लगाने की। आप मुझे बताइए कि फॉगिंग करने के लिए कैसे कर्मचारी जिम्मेदार है? जब तक उसे आदेश नहीं मिलेगा, जब तक उसको मशीन नहीं मिलेगी, जब तक उसको फॉगिंग के सामान नहीं मिलेगा, वो कैसे जाके फॉगिंग करेगा? फॉगिंग मशीन्स नहीं थी आपके पास? जब महामारी का स्वरूप लिया, हाहाकार मचा, मीडिया ने प्रेशर बनाया, विपक्ष ने उठकर के सड़कों पर आंदोलन किया, तब जाकर आप दिल्ली से फॉगिंग मशीन मंगाते हैं। आपका खुद का एक पार्षद भले ही ढोंग के रूप में सही, उसने आपको आईना दिखाया कि खुद फॉगिंग मशीन खरीद करके लाया। तो मेरा यह कहना है कि गवर्नेंस किसको देना था, जो सत्ता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ प्रचंड बहुमत के साथ चुन करके आए। आपको गवर्नेंस देना है, कर्मचारियों को गवर्नेंस नहीं देना, उनसे आपको काम लेकर अपनी कार्यप्रणाली से जनता को संतुष्ट करना है। आप तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि घोड़सवारी तो आती नहीं, घोड़े पर लद गए और एड़ मारनी शुरू कर दी। घोड़ा आपको रोज नीचे डालता है, फिर आपके मंत्री बड़ी सावगोई और ईमानदारी दिखाते हुए, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो, कहते हैं कि सब भ्रष्ट है। तो भ्रष्ट है तो जांच करवाओ, जांच क्यों नहीं करवाते? अशोक सिंह भी जो आपके संलिप्त पाए गए माइंस घोटाले में साल भर हो गया, चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर सके आप, यानी आप उनको संरक्षण देना चाहते हो। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भले शील जी हो या कोई भी प्रवक्ता हो या XYZ भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि वो काम नहीं कर पा रहे, उन्हें काम करना नहीं आता, भ्रष्टाचार में आकर्ण डूबे हुए, सब कुछ सूतना चाहते हैं, लेकिन जनता को मरने के लिए छोड़ने पर प्रश्न किया जाता है तो प्रति प्रश्न दाग करके या फिर अपनी अक्षमता को परिचय देते हुए कर्मचारियों और प्रशासन पर टीकरा फोड़ते हैं। प्रशासन को शासन चलाना है क्या? इनसे ये पूछा जाना चाहिए शासन चलाने के लिए। बीजेपी के करप्शन में नहीं लगे हुए पार्षद, कांग्रेस के भी आपके जीते हुए, उनके क्षेत्रों की हालत देख लीजिए आप, वो भी हालत बजट नहीं मिल रहे, और विजेंद्र एक महत्वपूर्ण बात और समझिए, 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान का ढोंग रचा जाएगा, उसके लिए न जाने कौन कौन सी संस्थाओं से सहयोग मांगा जा रहा है। किस आधार पर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे? लोग मर रहे हैं, कचरा नहीं उठ रहा है, मेयर आपका पंगू है, मूक दर्शक बने हुए हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, फिर आप दावे करते हो कि हम ये सब कुछ कर देंगे। आप कांग्रेस के पार्षदों की बात कह रहे हो, कांग्रेस के पार्षदों को बजट एलोकेशन नहीं होता, अधिकारी उनकी नहीं सुनते, वो ताले लगाते हैं कार्यालय जाकर के, जहाँ कड़ी से कड़ी जुड़ गई हो नीचे तक प्रशासन की, वहाँ ये हालात है। आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं कि जनता जाकर के नकेल को से कर्मचारियों पे, क्योंकि आपके जो मंत्री है उनकी तो शर्मिंदगी सबके सामने व्यक्त हो रही है। शीलता भाई जी सुनिए जरा, लोकसभा भी आपकी, विधानसभा भी आपकी, नगर निगम भी आपका, मैम मिला क्या जनता को? अगर तीनों में से एक करीबी फेल है तो पूरी सरकार फेल है, इस बात को मानते क्यों नहीं? दावे
झूठे वादे और धोखा। तो कांग्रेस के समय में भी जुड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार दवा मिली, मुफ्त महिला को सुरक्षा मिली है और सारे रक्षा की गई। कांग्रेस ने जनता को शर्माते पर रखा, जनादेश गवाही तौर पर नहीं, दम के तौर पर स्वीकार नहीं किया, तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार कि कांग्रेस की जनता आपके कामों को देख नहीं पाई हो, इसलिए आपको सीधा 21-19 तक पहुंचा दिया। ये भी हो सकता है, उसका विश्लेषण उसका एनालिसिस हम कर लेंगे, लेकिन जो हमने कहा उसमें सच्चाई से परहेज नहीं हमको स्वीकार करना, मान लेते हैं, मान लेते हैं इस बात को, उसको भी हम बताएंगे, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को। शीलदा भाई जी, शीलदा भाई जी देखिए मुझे ये बता दीजिए, शीलदा भाई जी सुनिए जरा, शीलदा भाई जी सुनिए जरा, मुझे बता दीजिए कि कौन सी कड़ी बेकार है और उस कड़ी को आप खत्म क्यों नहीं करते। अगर नगर निगम सातों आपके काम नहीं कर रहे, सातों को खत्म कीजिए, डिसॉल्व कीजिए, दोबारा चुनाव कराइए, जनता को क्यों त्राहिमाम करा रहे हैं। आपके मंत्री काम नहीं कर रहे, पद से हटाइए, आपके पास कमी तो है नहीं विधायकों की, 161 का आंकड़ा लेकर बैठे हैं, किसी को भी बना दीजिए। सरकार की तीनों कड़ियां बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। तो मुझे बताइए इसके लिए हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए कि जो बार बार हम कर्मचारियों की कहते हैं कि लापरवाही, एक भारतीय जनता पार्टी का एक पहला मंत्री है जो अपने अधिकारियों को डांट के कहता है और जो कहता है कि कुछ कहते हैं तो भ्रष्टाचार, वो व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं ईमानदार हो, लेकिन आप भ्रष्टाचार नहीं रोकते तो पद पे क्यों बने हो। गए मंत्रियों उसे बचाने, सस्पेंड किया किसी अधिकारी को, अरे आपने राजमहल के ताले लगाने और खोलने में सहमता है आपकी, आपको न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा, आपकी सच्चाई ईमानदारी से जनता देख रही है। जयपुर की 400 दुकानों पर सील लगा दी इन्होंने, एक भी दुकान न्यायालय के कहने के बावजूद नहीं खोली, राजमहल को खोल दिया आपने और क्यों सील किया, कोई जवाब नहीं। भाई जी ठीक है, आप अंत में ये कह दीजिए कि सरकार बहुत शरीफ है, सिस्टम बेलगाम है और सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि सिस्टम को कस सके। क्यों ढोंग रचा गया कि मशीनरी को पहले कसा जाएगा, 2.5 साल में मशीन कसी नहीं गई, अपनी गलतियां मानते नहीं। आपका क्या मतलब है? उस विभाग के मंत्री का मैं क्या करूं जो अपनी जिम्मेदारी संभाल ना सके, अपनी सेना को संभाल ना सके, उनसे काम करा ना सके, क्या करूं मैं उस मंत्री का, क्या करे जनता उस मंत्री का। जी पहले ये मुझे बताइए शरीफ से आपका तात्पर्य क्या है। मैम मेरा मतलब ये है कि भाई आप मेरा, तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि वो काम करना चाहते हैं, मैं मान लूंगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं मान लूंगा वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये भी मान लूंगा, लेकिन अगर अपने अधिकारियों से काम करा ही ना सके, अगर उन पर कंट्रोल ही नहीं, अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो ही ना, तो ऐसे मंत्री का क्या किया जाए, जनता क्या करे। केवल बयान देते हैं, भर जाएगा, केवल शर्म महसूस करते हैं कि शर्म आ रही है। कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, जनता की सेवा नहीं करेगा, भ्रष्टाचार से उनको शर्म जरूर आती है लेकिन उसका निवारण नहीं कर पाते, अधिकार नहीं है। और आप देख लीजिए जिस तरह से पकड़े गए, मैं मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए उस मुखिया का क्या किया जाए जो अपने अपने परिवार का लालन पालन ना कर सके, क्या किया जाए उस मुखिया का। ये कौन सा मुखिया, किस मुखिया की बात कर रहे हैं? मैं मुखिया से मंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक है। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को साथ में, जो हर वर्ग को छोटे से लेके उच्च वर्ग तक सबके दुख सुख का ध्यान रखती है। मैम दुख सुख से मतलब क्या है, उदयपुर में 20 बच्चों की मौत होती है, मुख्यमंत्री पहुंचती नहीं है, मुख्यमंत्री पहुंचती नहीं है। देखिए जो गाय मरती है मुख्यमंत्री पहुंचती नहीं है, रिकॉर्ड आता है वो सब विश्वास क्या मतलब निकाला जाए। ठीक है मैम मुझे फाइनल कमेंट चाहिए यहाँ पर, रोशन जी, रोशन जी, रोशन जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ सर, क्या ये कहा जाए कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में फेल हो चुकी है। रोशन जी क्या ये कहा जाए एक लाइन में कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में फेल हो चुकी है। सर ये तो मैं नहीं कह सकता फेल हो गई, लेकिन जो जिस तरीके से जो मौसमी बीमारी, आप ये कह सकते हैं कि अगर वक्त रहते सरकार जाग जाती तो 20 लोगों की आंखें बंद ना होती।
हाँ व्यवस्था संसाधन अच्छे उपलब्ध कराए जा सकते थे जी, जिससे कि इसको मौसमी बीमारी को और सरकार और विभाग ने लापरवाही बरती, इससे ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, जो हुआ इससे भी बहुत अच्छे तरीके से बेहतर इलाज किया जा सकता था। चलिए रोशन जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अशोक जी आपका भी शुक्रिया, अर्चना जी आपका भी शुक्रिया और शीलता भाई जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल सिर्फ इतना है, अगर मंत्री किसी विभाग को संभाल नहीं पा रहे, व्यवस्था को दुरुस्त कर नहीं पा रहे, तो क्यों ना कहा जाए कि मंत्री अपने विभाग को संभालने में सक्षम नहीं है। बी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।